हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ड्रॉप कैप होता क्या है। जैसा कि आपने कई बार नॉवेल पढ़ा होगा या मैगजीन पढ़ी होगी या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें जो पैराग्राफ का जो पहला अक्षर होता है यानी पहला जो लेटर होता है वो काफी, उसका साइज काफी बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन है। अब मैंने यहां पर पैराग्राफ लिया हुआ है। आप अगर मान लीजिए कि मुझे यहां ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करना होगा तो सिंपल मुझे इस पैराग्राफ को यहां सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर जाना है इंसर्ट पे। देखिए टॉप रिबन में यहां पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इंसर्ट ऑप्शन में नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको जाना है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में ये देखिए, ये रहा ड्रॉप कैप का ऑप्शन, ठीक है। ये है ड्रॉप कैप का ऑप्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जब मैं इस पे कर्सर ले जा रहा हूं तो यहां पर ऊपर आपको शो भी कर रहा है पहला लेटर एकदम बड़े से, लेकिन यहां तीन ऑप्शन होते हैं। तो अभी वीडियो स्किप मत करिएगा, तीनों ऑप्शन वन बाय वन समझना जरूरी है, ठीक है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन पर तो यहां देखिए तीन ऑप्शन दे रहा है। पहला तो नन है, मतलब कि अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो सिंपल छोड़ दीजिए। दूसरा जब मैं ड्रॉप पे क्लिक करूंगा तो ये जो पैराग्राफ में जो मेरा पहला जो लेटर है ओ है वो देखिए कैसे बन जाता है। ये देखिए ड्रॉप्ड मैंने किया। ड्रॉप्ड का मतलब हुआ कि तीन लाइन देखिए ये नीचे ड्रॉप हो गया, ठीक है। जैसा कि आपको यहां पे नीचे शो हो रहा है कि तीन लाइन ये नीचे ड्रॉप हो गया। अभी इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है कि आप अपनी मर्जी से इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। यानी मान लीजिए कि मैं इसको दो पर भी ला सकता हूं, दो लाइन पर भी ला सकता हूं, पांच लाइन, छह लाइन पर भी ला सकता हूं, सात लाइन पर भी ला सकता हूं, जैसा मैं चाहूं वैसा उसको बढ़ा या घटा सकता हूं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। और तीसरा ऑप्शन देखिए मार्जिन है, ठीक है, यानी कि ये लाइन के एकदम साइड चला गया। तो ये ऑप्शन आपने बहुत कम ही देखा होगा, मेनली आपने यही ऑप्शन देखा होगा बीच वाला यानी कि ड्रॉप्ड वाला, ठीक है। अब ये देखिए ये बेसिकली तो ये तीन लाइन नीचे आपको दिखा रहा है। अब अगर मान लीजिए मुझे चाहिए ये छह लाइन तो मुझे क्या करना होगा, नीचे देखिए ड्रॉप कैप का ऑप्शन एक शो हो रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए तो एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। यहां फिर से वो दो ऑप्शन, सॉरी तीन ऑप्शन दे रहे हैं, पहला तो नन है, दूसरा ड्रॉप है, तीसरा इन मार्जिन है। तो हमें ड्रॉप समझना है। इस पर बीच वाले पे आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। ये मैंने क्लिक कर दिया। आप नीचे देखिए लाइन टू ड्रॉप ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा है। आप इसको सिंपल आप यहां से बढ़ा घटा सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये छह लाइन पे लेके आना है, ठीक है, सॉरी ये छह लाइन पे लेके आना है। यहां से मैंने छह लाइन सेलेक्ट किया। अब नीचे देखिए ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो पहला लेटर है वो देखिए छह लाइन जो है वो नीचे आ गया। तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।